राधे राधे जी, नमस्कार। आप सबका स्वागत है रीटा की रसोई में। आज हम बनाएंगे लच्छे। घर पर सिर्फ 2 मिनट में लच्छे बन जाएंगे, बिल्कुल तैयार। अब हम 1 गिलास पानी का लेंगे। इसकी हमने गैस नहीं जलानी है, अभी ऐसे ही पानी में ठंडे में ही हम कॉर्नफ्लावर को घोलेंगे। 3 चम्मच हम कॉर्नफ्लावर लेंगे, बड़े चम्मच लेने हैं 3। अब इसको अच्छी तरह हम फेरते रहेंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। गैस जब तक हमने नहीं जलानी चाहिए। इसकी अब हमारी कोई भी गुठली नहीं रही है। अब हम गैस को चलाएंगे। हमने गैस जला ली है, लगातार हमने फेरते रहना है ताकि कोई गुठली ना बन जाए अंदर, क्योंकि फिर हम मशीन से बनाएंगे उसमें गांठ आ जाएगी। इसको फेरते रहेंगे हम। देखो ये हमारा कितना टाइट हो गया। अब इसका कलर चेंज हो जाएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। देखो हमारा कितना अच्छा टाइट हो गया और कलर भी चेंज हो गया है। साइड में चिपकने लग गया। इसका यही है कि पता चल जाता है कि साइड में चिपकने लग गया है। अब एक कटोरे में हम ठंडा पानी लेंगे, बिल्कुल चिल्ड लेना है ठंडा पानी। अगर ज़्यादा चिल्ड ना हो तो आप आइस को डाल लेना। अब हम मशीन लेंगे। मशीन में हमने जाली लगा ली है। हमने ये गरम गरम ही डालना है, ठंडा नहीं करना है। ठंडा करेंगे तो हमारे लच्छे नहीं अच्छी तरह बनेंगे। अगर हम गरम डालेंगे तो हमारे लच्छे बहुत लंबे लंबे बनेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे। आप भी घर पर ज़रूर ट्राई करना। इसके साथ मटका आइसक्रीम के यूज़ करना। मैं अपनी लिंक डाल दूँगी मटका आइसक्रीम की, जरूर देखना आप। इसको घुमाते रहे ताकि जितने भी घुमाते रहेंगे उतने ही हमारे लंबे लच्छे बनेंगे। भाप निकल रही है ठंडे पानी में डलने के बाद। बहुत अच्छी तरह लच्छे बनेंगे, लंबे लंबे लच्छे। बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। कोई भी आइसक्रीम पे डाल के खा लो आप, मैंगो आइसक्रीम, मटका आइसक्रीम, कोई भी आइसक्रीम पे अच्छे लगे। देखो हमारे लच्छे बनकर तैयार हो गए। इनको गर्म में ही नहीं हाथ लगाना है, थोड़े आधे घंटे बाद, ताकि ये कोई टूटेगा नहीं। अगर आप तभी साथ ही हाथ लगाओगे तो सारे टूट जाएंगे। देखो अब हमारा आधा घंटा हो गया, बिल्कुल लंबे लंबे लच्छे बने हैं, कोई भी टूट नहीं रहा है। कितने अच्छे बन रहे हैं हमारे लच्छे, बनकर तैयार हो गए हैं। प्लीज़ आप भी ज़रूर ट्राई करना। राधे राधे, नमस्कार।